तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से पूरी फाइट ही चेंज हो जाती और जियान बहुत ही आसानी से बुद्धिस्टर लिक्विड को लेकर वहां से काफी दूर निकल आता है। मगर तभी वहां पर ओल्ड यांसा अपनी कॉपी बॉडी का यूज करता और बुद्धिस्टर लिक्विड को वहां से भगने लगता है लेकर, मगर जियान बहुत ही आसानी से फॉलन आर्ट फ्लेम से उसे मार देता है। अब आगे और ये वाला एपिसोड एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला, इस वजह से इसके अंदर आपको ऑफिशियल सीन देखने को नहीं मिलेंगे मगर इसकी स्टोरी काफी डिटेल के अंदर होगी। तो आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। जियान अपने सभी साथियों को लेकर पहुंच चुका था जिनन अकेडमी के मैं डोर पर और वहाँ पर उन लोगों को रिसीव करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे इनर अकेडमी और आउटर अकेडमी से और उन्हीं में मोटे एल्डर हु गैंग भी थे। तो जियान बहुत ही अच्छे से डिप्टी हेडमास्टर से मिलता है और साथ ही वहाँ पे काफी सारे पैन गेट के लोग भी थे, तो जियान उनसे भी बहुत ही अच्छे से मिलता है और फिर जियान उन सभी लोगों के साथ निकलने लगता है इनर अकेडमी के लिए। और जब वो आसपास की सभी चीजों को देखते तो उसकी जो पुरानी मेमोरी होती है वो सभी की सभी ताजा हो जाती है, जहाँ पर उसने फायर कॉम्पिटिशन के अंदर सभी सीनियर को ही पछाड़ दिया था और ये सभी चीजें फर्स्ट एल्डर भी नोटिस कर लेते। इस वजह से वो भी जियान के पास आते और जियान से बोलते हैं तुमने जो इस कॉम्पिटिशन के अंदर किया था उसको देखकर बहुत सारे नए स्टूडेंट भी ये करने की सोचते हैं, मगर वो सीनियर से फायर तो छोड़ वो कुछ भी नहीं ले पाते और बुरी तरीके से और पिटते बेचारे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने एक नई चीज ऐड कर दी थी फायर हंटिंग कॉम्पिटिशन के अंदर, जो अब नए स्टूडेंट भी करने की कोशिश करते मगर वो बहुत बुरी तरीके से फेल होती है। ये सब सुनकर जियान को काफी हंसी आती है नए स्टूडेंटों के ऊपर, ऐसे वो लोग काफी देर तक बातें करते रहते हैं। और फिर एक लंबे सफर के बाद जियान पहुंच जाता है अपने सभी पलटनों को लेकर इनर अकेडमी, मगर तभी जियान फर्स्ट एल्डर से बोलता है कि वो अभी के लिए अपने पैन गेट के सभी मेंबरों से मिलना चाहता है क्योंकि इस सफर के बीच में फर्स्ट एल्डर ने पैन गेट के बारे में जियान को काफी कुछ बताया था क्योंकि आज पैन गेट इस जियान अकेडमी का सबसे बड़ी फाउंडेशन है। यहाँ तक कि इनर अकेडमी के अंदर जो टॉप 50 स्टूडेंट आते हैं वो सभी के सभी पैन गेट से ही आते हैं और साथ ही उसमें से कुछ डाउविंग लेवल के बॉर भी निकले जो कि आज इनर अकेडमी के एल्डर है। और ये सभी चीजें जानने के बाद जियान को काफी क्यूरियोसिटी होने लगती है पैन गेट को देखने की, इसलिए वो फर्स्ट एल्डर से बोलता है कि फर्स्ट एल्डर अभी के लिए आप जाइए और रेस्ट करिए। तो इसे उनके फर्स्ट एल्डर बोलते ठीक है तुम चले जाओ और अगर तुम्हें पैन गेट के हेडक्वार्टर का रास्ता नहीं पता हो तो तुम्हें रास्ते में कोई भी स्टूडेंट मिलता है तो तुम उससे पूछ लेना, सभी को पैन गेट के हेडक्वार्टर का रास्ता पता होता है और तुम वहां से जब भी फ्री हो जाओ तुम उससे मिलने के लिए आ सकते हो मेरे ऑफिस में। तो जियान भी हमें से ला देते और वहां से जाने लगता और फर्स्ट एल्डर वहां से निकल जाते सभी लोगों को लेकर। और फिर जियान को रास्ते में कुछ स्टूडेंट मिलते तो जियान उनसे एड्रेस पूछता है पैन गेट के हेडक्वार्टर का, तो वो जियान को बताने से पहले जियान को इस तरीके से कूटते कि जैसे जियान ने उनकी जायदाद मांग ली हो और जियान से बोलते क्या तुम नए स्टूडेंट हो यहाँ पर जो तुम्हें पैन गेट के बारे में नहीं पता है क्योंकि पैन गेट के हेडक्वार्टर के बारे में यहाँ पे बच्चा बच्चा जानता है। और एमपी जियान ऐसे पूछते पूछते पहुंच जाते पैन गेट के मेन हेडक्वार्टर के गेट के पास, जहाँ पर उसे सबसे पहले उसकी मूर्ति दिखाई देती जहाँ पर वो एकदम फुल स्टाइल में खड़ा हुआ होता है हैवी लोड शॉट को पकड़े हुए। मगर तभी जियान को सभी स्टूडेंट एक डायरेक्शन की तरफ भागते हुए दिखाई देते तो जियान भी उसी डायरेक्शन की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसे एक प्यारी सी लड़की दिखाई देती और उसकी जो फिल्म थी वो बहुत ही सुंदर थी और उस लड़की का नाम सिलेन था और वो एक एल्केमिस्ट थी टीयर 4 की जो की अभी के लिए वहाँ पर एक टीयर 4 की पिल को रिफाइन कर रही थी। ये देखकर जियान काफी शॉक हो जाता है क्योंकि ये लड़की अभी के लिए काफी यंग है और इसका जो पिन रिफाइनिंग में टैलेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा है। और वो लड़की कुछ ही देर बाद टीयर 4 की पिल को रिफाइन कर लेती, जब जियान उसकी पिल को देखता है तो एकदम मुंहफट की तरह बोल देता है यार तुम्हारी पिल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यार मजा नहीं आया। अब ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि टीयर 4 की पिल को बनानी एक बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है और वहीं पे ऊपर से ये लड़की अभी के लिए काफी यंग है फिर भी उसने टीयर 4 की पिल को बना दिया। वहीं पे सिलेन तो ये सुनकर ऊपर से नीचे तक जल बुझ जाती है क्योंकि उसे अपने एल्केमिस्ट टैलेंट के ऊपर काफी घमंड था और उसने सभी को चैलेंज कर रखा था अगर उसे कोई भी हरा देता है वो चट मंगनी पट ब्याह कर लेगी, मतलब वो उस बंदे से शादी कर लेगी जो भी उसे हरा देगा। तभी सिलेन गुस्से से जियान की तरफ देखती है और बोलती है अबे तू है कौन जो तू मुझे ज्ञान दे रहा है मेरी पिन खराब या सही है। तो इस उनके जियान बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें एडवाइस कर रहा था अगर तुम अपनी फिल्म को थोड़ा सा और अच्छे से कंट्रोल करती और थोड़ी देर पिन को रिफाइन करती तो जो पिन की क्वालिटी थी वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाती। ये सुनकर सिलेन का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है क्योंकि जियान उसी की एज का और उसे ज्ञान देने में लगा हुआ है और साथ ही उसने कभी भी जियान अकेडमी के अंदर जियान को नहीं देखा था, इस वजह से उसे लग रहा था कि जियान एक नया स्टूडेंट है। और जब जियान उसे गुस्से में देखता तो बोलता कि तुम्हें अगर मेरा मसरा पसंद नहीं आया तो मत दो, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था इसमें इतना क्रोधित होने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद वहाँ पर पूरी तरीके से हलचल मच जाती है और वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग जियान को घूरने लगते और वो नोटिस करते कि जियान की चेस्ट के ऊपर पैन गेट का बैच भी नहीं लगा। इसी वजह से सभी लोग जियान से बोलते लड़के तुझे पता नहीं यहाँ के रूल्सों के बारे में, तुम अभी के लिए पैन गेट के अंदर हो और पैन गेट के अंदर बिना बैच के अंदर नहीं आ सकते हैं क्योंकि कल के स्टूडेंटों को ये नहीं पता था कि यही है वो बंदा जिसने इस पैन गेट को बनाया है और यही है इसका करता धरता। तभी सिलेन भी आगे आती और जियान से बोलती है अगर तुम हो कौन और कौन सी सेक्शन से हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि पैन गेट के अंदर बिना बैच के अंदर नहीं घुस सकती है। तो ये सुनकर जियान बोलते कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा हूँ इस वजह से शांत हो जाइए आप लोग। तो ये सुनकर सिलेन बोलती कि अभी के लिए तुम यहाँ से निकल लो और जब तुम्हारे पास परमिशन हो इसके अंदर घुसने की तभी घुसना, वैसे तुम अभी किससे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो। तो ये सुनकर जियान थोड़े से मनठानी लेता और बोलता है मैं यहाँ पर हुआ और जीवा से मिलने के लिए आया हूँ। और जब सिलेन ये नाम सुनते तो वो काफी शॉक हो जाती है क्योंकि हुआ और जीवा अभी के लिए जिनन अकेडमी की एल्डर है और वो बहुत ही रेयर केसों में इन लोगों से भी मिलने के लिए आते हैं, तो वो इस नए लड़के से मिलने के लिए घंटा आने वाली है क्योंकि सिलेन को जियान एकदम मामूली सा लग रहा था और ऐसे पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं जो कि जुओ और हुआ से मिलने के लिए आते थे मगर ये लोग उन्हें दबोच लेते फिर उसके बाद उनकी अच्छे से धुलाई देते और यहाँ से भगाते देते और वो ऐसे
ऐसे ही कुछ मूड बना रहे थे जियान के साथ भी करने का, मगर जियान उन सभी को साइड कर देता और वहाँ से जाने लगता है। ये सब देख के जियान की हरकतों को सभी लोग सोचने लगते हैं कहाँ का नवाब है जो बिना पूछे यहाँ से घुसता चला जा रहा है अंदर। और वो कुछ करने की सोच रहे होते तभी एक लड़की भगती हुई आती और जियान को हक कर लेती है, और ये लड़की कोई और नहीं जियान की छोटी की क्रश शाओमी होती है। तो जियान उसके सर को सहलाता और बोलता की तुम इन 2 सालों के अंदर काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। और शाओमी जब जियान को इतने प्यार से उससे बात करती हुई देखती है तो वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर और भी गला फाड़ के रोने लगती है। और जब से जाओमी को रोती हुई देखती तो उसे दाल में कुछ काला लगता है, इस वजह से उसे और भी गुस्सा आने लगता है जियान के ऊपर, क्योंकि शाओमी काफी इंपॉर्टेंट पर्सन थी पैनगेट की। इसलिए सेलिन जियान के ऊपर गुस्सा करने लगती है और जियान को मारने के लिए आगे आने लगती है, मगर जाओमी उसे बीच में पकड़ लेती और उसे पीछे ढकेल देती है और बोलती है मेरा कजन भाई जियान है। ये सुनकर सेलिन काफी शॉक हो जाती, भले उसने जियान को नहीं देखा था मगर उसने जाओमी के मुंह से काफी बार जियान का नाम सुना था और साथ ही उसने बताया था वो उसका कजन भाई है और साथ ही वो ये इस पैनगेट का करता धरता और साथ ही उसने अपने टाइम पे उसने एक हाई लेवल की टियर 5 की पिल को भी बनाया था। ये सब सोचती सेलिन के एकदम से होश उड़ जाती है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान बैठा हुआ था अपने सभी पुराने दोस्तों के साथ और पैनगेट के सभी लोग उसके सामने खड़े हुए होते। तभी जियान उन सभी लोगों से बोलता है आप सभी को मेरे सामने इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, एकदम चिल रहो। तभी सेलिन मुंह लटकाते हुए जियान के सामने आती है और जियान से बोलती है क्या वही महान जियान हो जिसने इस पैनगेट को बनाया है। तो जियान एक स्माइल के साथ बोलते क्या तुम्हें मेरी शक्ल उस स्टैचू से मिलती हुई नहीं दिखाई देती। तो ये सुनकर सेलिन हंसती हुई बोलती है अरे महान जियान आप कैसी बात कर रहे हो, अभी तक मैंने आपको सिर्फ स्टैचू के अंदर देखा, रियल में तो आप बहुत ही ज्यादा सुंदर हो और काफी ज्यादा हॉट भी हो, इसलिए मुझे माफ कर दो मैंने आपको पहचाना नहीं। तो ये सुनकर जियान भी एक स्माइल कर देते मगर तभी वहाँ पर आ जाते जियो और हुआ भी। तो जियान उन दोनों से बहुत ही अच्छे से मिलता और काफी सारी बातें भी करता है और बोलते वाह मेरे दोस्तों अब तो तुम डाओवेंग पर भी पहुंच चुके हो, अब तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो। तो ये सुनकर जियो बोलते वाह बेटे वाह, मगर फिर भी हम लोग तुम्हारी कभी भी बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि तुम ऑलरेडी डाओवेंग को भी क्रॉस कर चुके हो। तो ये सुनकर जियान एक स्माइल कर देता और बोलता है ये सब तो छोड़ो बाकी ये पैनगेट के बारे में बताओ कि हमारे पैनगेट के क्या हालचाल है। तो ये सुनकर वो बोलते कि अब हमारा पैनगेट कोई मामूली पैनगेट नहीं रहा है, अब काफी बड़ा हो चुका है, अब हमारे पैनगेट से काफी सारे डाओवेंग के वॉरियर निकलती है जो की आगे चल के जिन अकेडमी के एल्डर बन जाते और साथ ही अब हम हर किसी को अपने पैनगेट के अंदर एंट्री नहीं देने देते, उसके लिए हम लोगों ने एक टेस्ट रखा है, इस वजह से हर साल 200 से 300 स्टूडेंट पैनगेट के अंदर ही आ सकती है और साथ ही हर साल यहाँ से 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई करती है जिसमें से कुछ जीनन अकेडमी रह जाते और मोस्टली लोग चले जाते जी गेट जो कि तुम्हारा ही खुद बनाया हुआ है। ये सब पूरा सिस्टम देख के जियान काफी शॉक हो जाता और बोलते वाह तुमने तो काफी अच्छा सिस्टम बिठा रखा है यहाँ पर। तो जियो बोलती है सब जीनन अकेडमी की वजह से क्योंकि जीनन अकेडमी काफी सपोर्ट करती है जी गेट के लिए, इसी वजह से सभी स्टूडेंटों को बस एक ही सपना होता है जी गेट को ज्वाइन करने का। तभी वो बोलते ये सब तो ठीक है तुमने पैनगेट के बारे में तो सब कुछ जान लिया, अब तुम अपने बारे में बताओ कि तुम यहाँ पर आए हो और कितने दिन तक यहाँ पर रुकोगे। तो जियान बोलता है कि मैं यहाँ पे ज्यादा दिनों तक रुकने के लिए नहीं आया हूँ, जैसे मेरे यहाँ के सारे काम खत्म हो जाएंगे वैसे मैं यहाँ से चला जाऊंगा एक नई हेवनली फ्लेम के लिए। मगर जैसी जैंगलिंग हेवनली फ्लेम का नाम सुनती है उसके एकदम से कान खड़े हो जाते हैं, मगर तभी जियो बोलती अब तुम बड़े आदमी बन चुके कहाँ तुम्हारे पास टाइम होगा, अब तो तुम बिजी हो चुके हो, मगर फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के बाकी के पैनगेट के लोगों से भी मिल लूं जो हमारे साथ आए थे। तो जियान उन सभी लोगों से बहुत ही अच्छे से मिलता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए काफी सारी एडवाइस भी देता है और फिर जियो और हुआ को भी अलविदा कहता और वहाँ से चला जाता है फर्स्ट एडर से मिलने के लिए, जो कि अभी के लिए कमरे के अंदर बैठे हुए एक बुक को पढ़ रहे होते। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है तो फर्स्ट एडर बुक को रख देते और जियान से बोलते क्या तुम मिला है पैनगेट के अपने सभी साथियों से, और साथ ही पता भी चल गया कि आज पैनगेट का क्या रुतबा है जीनन अकेडमी के अंदर। तो ये सुनकर जियान भी हमेशा रिला देते। तभी फर्स्ट एडर टूटते सोचते और जियान से बोलते हैं जियान मैं तुम्हें जितना समझाऊं उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉलन नाट फिल्म के टैंकरों को बनने के लिए आए हो, जरूरी तुम्हारा जीनन अकेडमी आने का कोई और मकसद है। ये सुनकर जियान के एकदम से हवा बदल जाते और वो फर्स्ट एडर से बोलता है फर्स्ट एडर आप मुझे ये बता सकते हो जो हमारे ग्रेट एल्डर वो क्या अभी के लिए जीनन अकेडमी के अंदर है या नहीं है। ये सुनकर फर्स्ट एडर अपना सर पकड़ लेते और बोलते उस बुड्ढे के बारे में तो मुझसे कुछ पूछो ही मत क्योंकि वो बुड्ढा अभी के लिए पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा इस दो की कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि वो एक नंबर का घुमक्कड़ है और उसे जीनन अकेडमी छोड़े 10 साल बीत चुके और तब से उसकी कोई भी खबर नहीं आई है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है जरूर उस बुड्ढे के साथ कुछ गलत हो चुका है, इस वजह से अब उसकी कोई भी खबर नहीं आ रही है। मगर जियान तुम मुझे ये बता सकते हो उस बुड्ढे के बारे में तो मुझसे क्यों पूछ रही हो। ये सुनकर जियान थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता और अपनी छाती खोल के फर्स्ट एडर को दिखा देता है जहाँ पर वो अभी के लिए वही डीमन स्पॉट होता है और जियान फर्स्ट एडर को उसके बारे में बताने वाले होते तभी फर्स्ट एडर से रोक देते और बोलते बच्चे ये मेरी दाढ़ी धूप में खड़े होने से सफेद नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस की वजह से सफेद हुई है, इस वजह से मैं इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानता हूँ ये है क्या चीज, इसलिए तुम मुझे बस ये बताओ ये तुम्हारे साथ हुआ कैसे। तो ये सुनकर जियान ए से लेके जेड तक की पूरी स्टोरी बता देता है फर्स्ट एडर को और वो सुनकर एकदम फर्स्ट एडर शॉक हो जाते और बोलते कि तुम्हें इसे निकालने के लिए एक डाउजोंग की जरूरत है, वो तो सिर्फ हमारे ग्रेट एल्डर और उनका कुछ अता पता नहीं वो कहाँ पर है, मगर जीनर अकेडमी के अंदर कुछ और भी बुड्ढे जिनकी पावर भी काफी ज्यादा अच्छी है मगर वो फिर भी डाउजोंग पर तो नहीं है, मगर वो दोनों बुड्ढे अपनी पावर को कंबाइन कर लेते तो शायद वो तुम्हारे डीवन पॉइजन स्पॉट को सही कर सकती है, मगर इसमें भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि वो बुड्ढे मेरे कहने से यहाँ पर अपीयर नहीं होंगे, उनका सिर्फ एक ही काम है जीनन अकेडमी की रक्षा करना, जब तक जीनन अकेडमी तबाह नहीं हो जाती तब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे और चाहे मैं जितनी रिक्वेस्ट कर लूं फिर वो बुड्ढे बाहर नहीं निकलेंगे। तो जियान भी फर्स्ट एड की इन सभी बातों को भली बात ही समझता है कि वो बुड्ढे कितने ज्यादा हरामी है, पिछली बार जीनन अकेडमी के ऊपर कितना बड़ा
खतरा आया था, फिर भी वो डे अपियर नहीं हुए, क्योंकि वो डे तभी अपियर होंगे जब जीनन अकेडमी ऑलमोस्ट तबाह होने की कतार पे पहुंच चुकी होगी। तो इसे इनके जीन बोलते कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे कोई डाउजोंग नहीं है तो मेरे पास इसका एक और आइडिया है। तो ये सिंधिकन फर्स्टेड बोलते वो क्या आइडिया बताओ मुझे भी। तो जीन बोलते कि मुझे एक और नई हेवनली फ्लेम की जरूरत है उसके लिए। ये सिंधिकन फर्स्टेड की एकदम से वो सोच जाते क्योंकि हेवनली फ्लेम मिलना बहुत ही एकदम मुश्किल है दोगी कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि वो बहुत ही रेयर चीज है। वो तो जीनन अकेडमी के पास ग्रेट हेड थे, इस वजह से उन लोगों ने फॉलन आर्ट फ्लेम को पकड़ लिया, वरना तो किसी की औकात भी थी फॉलन आर्ट फ्लेम को पकड़ने की। मगर ये सब सोच के फर्स्टेड एकदम चुप्पी साथ जाते। तभी जीन बोलते फर्स्टेड आप तो जानती हो मैं अभी के लिए जिस की मेथड का प्रैक्टिस करता हूँ वो तभी स्ट्रॉन्ग हो सकती जब मैं कोई हेवनली फ्लेम को लेता हूँ, और जब मैं कोई एक नई हेवनली फ्लेम को ले लूँ तो ये मेरा डेमन स्पॉट वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। जिस सिंधिकन फर्स्टेड बोलते ये कोई मामूली चीज नहीं तुम जिसकी बारे में बात कर रहे, क्योंकि ये बहुत ही रेयर चीज है। जब तक कि 100 बहुत स्टार लिक्विड मिल सकते हैं मगर एक हेवनली फ्लेम मिलना बहुत ही रेयर होती है, और कहीं गलती से हेवनली फ्लेम अपीयर हो भी जाती तो वहां पर इतने सारे पावरफुल वॉरियर आ जाएंगे जो कि उसको लेने के लिए एक दूसरे को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। इसलिए अभी के लिए तुम अपने दिमाग से हेवनली फ्लेम का भूत को उतार दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सिंधिकन जन बहुत ही प्यार से फर्स्ट एल्ड से बोलते कि फर्स्ट एल्ड मेरे यहाँ पे आने का जो मेन रीजन था वो एक हेवनली फ्लेम के बारे में जानकारी लेना ही था, और मुझे ये नहीं पता हेवनली फ्लेम के बारे में जानकारी इकट्ठा करना कितना ज्यादा मुश्किल है कितना ज्यादा आसान है, मगर मुझे ये पता कि फर्स्ट एल्ड को इस दुखी कॉन्टिनेंट के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, इस वजह से उन्हें जरूर कोई ना कोई हेवनली फ्लेम के बारे में पता होगा। ये सिंधिकन फर्स्ट एल्ड हंसने लगते और बोलते वाह रे जियान बड़ा मक्खन लगा रहे तुम तो, मगर तुम्हें मेरे से ज्यादा अच्छी नॉलेज तुम्हारे मास्टर यालो दे सकते हैं क्योंकि वो मुझसे कई ज्यादा सीनियर है और उनके सामने मेरी नॉलेज चीटी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मगर वहीं पे जिन जैसे मास्टर के बारे में सुनता है वो एकदम से इमोशनल हो जाता है और फिर फर्स्ट एल्ड को ए से लेके जेड तक की पूरी स्टोरी बताता है मास्टर के बारे में, और बोलते है कि मेरा हेवनली फ्लेम लेने का जो मेन रीजन है वो पावरफुल बनना है क्योंकि मैं अपने मास्टर को बचाना चाहता हूँ होलोसोल से। ये सब सुन के तो फर्स्ट एल्ड भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते और बोलते कि मास्टर योलो को होलोसोल वाली पकड़ ली गई, और उन्हें होलोसोल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, इस वजह से उन्हें अपनी मुट्ठी को काफी ज्यादा कस के पकड़ रखा था। और बोलते ही होलोसोल वाले इतनी पावरफुल सोलो को क्यों पकड़ रहे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत टाइम पहले भी जिनन अकेडमी के ऊपर भी हमला किया था मगर तब वहाँ पर ग्रैंड एल्डर आ गए थे और उन्हें बचा लिया था जिनन अकेडमी को। और इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म होता है, और नेक्स्ट पार्ट इसका आप लोगों को आज ही देखना, तो आपको इस वीडियो पे कराने होंगे 10K लाइक और 1K कमेंट, और साथ ही वो आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है। और साथ ही इस एपिसोड का जो थर्ड पार्ट होगा वो आप लोगों को क्यूट लव पेलेंट पे देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।